दोस्तों, अगर आपको भी YouTube से पैसे कमाना है तो आपको इसके लिए एक YouTube चैनल की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसको क्रिएट करने के बाद आपको ढेर सारी सेटिंग्स भी करनी पड़ती है, और उसके अलावा चैनल को कस्टमाइजेशन के लिए भी करना पड़ता है, और कस्टमाइजेशन के अलावा आपको 1000 सब्सक्राइबर्स भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने होते हैं। तो इस वीडियो में आपको चैनल क्रिएट करने के अलावा उसकी सभी सेटिंग्स और चैनल को कस्टमाइज करना भी बताऊँगा, और साथ ही साथ आप पहले 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हो वो भी मैं आपको डिटेल बाय डिटेल इसमें समझाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लिया तो आप आसानी से अपने 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर सकते हो, और साथ ही साथ जितने भी सेटिंग्स हैं, जैसा भी कस्टमाइजेशन है, उसको सारा कंप्लीट करके एक प्रोफेशनल चैनल क्रिएट कर सकते हो। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, लेकिन अगर आपने इसको शुरू से एंड तक देख लिया तो आप 100% अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो, और उस पर ढेर सारी वीडियोज अपलोड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और हाँ, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं आपको, और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप, और आज की इस वीडियो में आपके साथ यही सब शेयर करूंगा। चलिए वीडियो को लाइक करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए आपको एक जीमेल की ज़रूरत पड़ने वाली है, और जीमेल आपको आपके फ़ोन में ही पहले से मिल जाती है। अगर आपके पास फ़ोन है तो उसमें एक जीमेल पहले से लॉगिन रहती है, तो आप उसी का यूज़ कर सकते हैं या एक न्यू जीमेल क्रिएट कर सकते हैं। और जीमेल को क्रिएट करने के बाद, या जो आपकी जीमेल है उसको यूज़ करना है, तो फिर आप सीधा यूट्यूब का मेन एप्लीकेशन ओपन कर लेना। यहाँ से हम सारी जो भी सेटिंग्स है यहाँ से नहीं करने वाले, हम सिर्फ यहाँ से चैनल क्रिएट करेंगे यूट्यूब के मेन एप्लीकेशन से। उसके बाद बाकी जो सेटिंग्स है वो हम IT स्टूडियोस करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन से नहीं, बल्कि हम ब्राउज़र का यूज़ करेंगे, मतलब डेस्कटॉप में करने वाले। और फ़ोन में और लैपटॉप में जैसा डेस्कटॉप होता है, वैसे ही आप फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले आप YouTube ओपन कर लीजिए। YouTube ओपन करने के बाद आपको नीचे Gmail का आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको आपका जो Gmail है, जिस नेम से Gmail है, वो नेम आपको शो कर रहा होगा, तो उस नेम पर आपको क्लिक करना है, और वहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको अपने चैनल का नेम डालना है, जो आपको चैनल रखना है। लेकिन ये आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान से सुननी है। आप वही चैनल का नेम यहाँ पर रखना है जिसका नाम पर कोई कॉम्पिटिशन ना हो। मतलब जैसे मेरे नेम पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं था पहले, मेरा जो चैनल का नेम है वो दीपू टेक्निकल है, तो इस पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, इसलिए मैंने इसको रखा, और ये सर्चेबल भी हो गया, मतलब सर्च लिस्ट में ये चैनल आने लगा। तो आपको कोई एक ऐसा नेम सजेस्ट करना है अपने आप को, या किसी से गूगल का यूज़ करके या ChatGPT का यूज़ करके आप देख सकते हैं। आप ऐसा नेम सेट करना है उसमें जिस पर कोई बड़ा चैनल ना हो और कंपटीशन ना हो आपको। छोटे मोटे चैनल हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद नीचे आपको हैंडल्स पर क्लिक करना है, और वहाँ पर जैसा आपका चैनल का नेम है वैसे ही आपको यूज़र भी बनाना है। उससे क्या रहेगा, उस @ लगाकर कोई भी उस पर सर्च कर सकता है, या लिंक के थ्रू आपका चैनल सर्च में आ सकता है, या फाइंड कर सकता है कोई भी इंसान। तो उस हैंडल को सेट करना है, लेकिन जैसा चैनल का नेम है वैसा ही यहाँ पर रखना है। और उसके अलावा वहाँ पर जो प्रोफाइल अपलोड करनी है, तो प्रोफाइल सबसे पहले आप अपलोड कर देना। आपके पास अगर लोगो नहीं है तो आप सीधा अपने किसी भी इमेज को अपलोड कर सकते हो। वहाँ पर आप रियल इमेज भी अपलोड कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टार्टिंग में एक लोगो होना चाहिए। इतना करने के बाद आपका चैनल क्रिएट हो गया है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लो, तो आपका चैनल क्रिएट होने के बाद आपको अब सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो सेटिंग्स कैसे करोगे आप, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सीधा यूट्यूब सर्च कर लेना है। यूट्यूब सर्च करने के बाद आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, देन आपका डेस्कटॉप साइड में ओपन हो जाएगा। आपका जो जीमेल है वहीं पर कोने में ऊपर साइड में, राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा। उस जीमेल के आइकन पर क्लिक करना, और वहाँ पर YT स्टूडियो लिखा रहेगा। अगर आपके YT स्टूडियो नहीं आता तो योर चैनल पर क्लिक कर देना, लेकिन अगर YT स्टूडियो आ जाता है तो आप उस YT स्टूडियो पर क्लिक करके सीधा चैनल के YT स्टूडियो में चले जाना। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपका YT स्टूडियो का है, ठीक है। अब ये वही YT स्टूडियो जो आप एक लैपटॉप में यूज़ करते हो, अगर आपके पास फ़ोन है लैपटॉप नहीं है, तो फिर आप इस तरीके से आपने लैपटॉप में जैसे चलाते हैं वैसे ही यहाँ पर आप गूगल क्रोम का यूज़ कर चला सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सारी सेटिंग्स जो बताने वाला हूँ, यहाँ पर फुल स्क्रीन में बताने वाला हूँ, जिससे कि आप आसानी से सीख सको और सभी सेटिंग्स को कर सको। जैसा मैं यहाँ साइड बैक साइड में स्क्रीन में बताऊँगा, उसी तरीके का आपके फ़ोन में शो होने वाला है। तो जैसा मैं यहाँ बताऊँ वही सब फॉलो करना, उसके अलावा एक्स्ट्रा में कुछ मत करना।
और इसके अलावा मैं आपको बाद में एंड में सब्सक्राइबर्स बढ़ाना भी बताऊंगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स आप इजी और जेन्युइन जो रियल सब्सक्राइबर्स होते हैं वो कैसे पा सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए हम अपनी फुल स्क्रीन पर जाते हैं और यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने के बाद अपनी जितनी सेटिंग्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों आप बैकग्राउंड में देख सकते होंगे कि यहाँ पर आपको पूरा YT स्टूडियो ओपन दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे सेटिंग्स का आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट में USD डॉलर रहने देना है, आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। आपको जाना है यहाँ पर चैनल पर, तो यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है जो आपकी कंट्री है। तो मैं यहाँ पर अपना जो इंडिया से हूँ मैं, तो मैं यहाँ इंडिया देख लूँगा, उसके बाद यहाँ से डन कर दूंगा। तो सारी चीज़ें आपको एक चीज़ देखनी दोस्तों, यहाँ पर ऐड कीवर्ड्स लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने चैनल के नेम के हिसाब से कीवर्ड डालने पड़ेंगे यानी कि टैग्स। आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी पड़ेगी, जो यहाँ पर आप ऐड करोगे उसी नेम से अगर कोई आपके चैनल को सर्च करेगा तो आपका चैनल सर्च लिस्ट में जाएगा। तो जिस नेम से आपका चैनल है उसी नेम के यहाँ पर जितने टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके का आप वीडियो अपलोड करते हो उस तरीके के यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं अभी के लिए एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, मेरा जो चैनल, इस चैनल का नेम मैंने डेमो के हिसाब से बनाया है, तो इस चैनल का नेम है दीपक ब्लॉग्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दीपक ये कर दिया। जितने तरीके से आप लिख सकते हो, आपको लग रहा है कि आपके चैनल को किस किस तरीके से सर्च किया जा सकता है, उतने तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। और जित यहाँ पर सिर्फ आप 500 वर्ड्स ही लिख सकते हो, तो आपको सोच समझ के लिखना है कि आप कैसे क्या लिखना चाहते हो। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पर कुछ भी ऐड कर देते हैं। फिलहाल के लिए मैंने ये कीवर्ड सेट कर दिए, अब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये मेरा डेमो चैनल बना रहा हूँ मैं, इसमें कोई वो नहीं करने वाला हूँ, वर्क नहीं करने वाला हूँ, इसको जस्ट आपको समझाने के लिए क्रिएट किया। तो आपको यहाँ पर ये करने के बाद यहाँ से एडवांस में चले जाना है, और यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स दिख रही होगी, ये आपके लिए चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में नो कर दीजिएगा, और इसके बाद यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, और देन चले जाना है फीचर्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक फीचर्स पहले से इनेबल है, ठीक। वीडियो अपलोड करना, प्लेलिस्ट क्रिएट करना, और ये जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं ये आपके इनेबल है। इसके बाद ये दो फीचर्स हैं जो कि इनेबल नहीं है, तो हम इनेबल कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। जो सेकंड वाले फीचर्स है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके वो आपके इनेबल होंगे। तो चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई फ़ोन नंबर पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको अपने फ़ोन नंबर को डालना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही नंबर एंटर करेंगे और गेट कोड पर क्लिक करेंगे, आपको OTP आ जाएगा, आप वेरीफाई कर दीजिएगा। तो इसकी वजह से आप 15 मिनट की वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, जो कि आप नॉर्मली बनाने नहीं वाले, और अगर आपने क्रिएट की तो आप 15 मिनट की वीडियोस आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो। इससे आपको लाइव स्ट्रीम का वो मिल जाएगा, जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आप लाइव स्ट्रीम के एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड वाले उस कॉलम पे। तो यहाँ पर देखिए कुछ एडवांस फीचर्स है, जैसे कंटेंट आईडी और लाइव स्ट्रीम डेली, अपलोड मोर डेली वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक आईडी से वेरीफाई करना रहेगा। तो चलिए हम पहले ये सारा कुछ वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आपको जो आपका आधार कार्ड है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू यहाँ वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है यूज वीडियो वेरीफिकेशन, आपको बस एक वीडियो 30 सेकंड की वीडियो क्रिएट करनी है, जिसमें आपको अपने बारे में बताना है, आप कहाँ से हो, क्या है, नेम क्या है, आपकी एज क्या है, आप जितनी भी आपकी जानकारी होती है एक डॉक्यूमेंट में, पैन कार्ड वगैरह, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको 30 सेकंड की वीडियो में बोलकर बताना है। अगर आप इसको करना चाहते इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसमें यूज़ योर वैलिड आईडी, अगर आपके पास कोई वैलिड आईडी है, जैसे गवर्नमेंट के साइड से जैसे लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड भी यूज़ हो सकता है, मेरे हिसाब से इसमें पैन कार्ड यूज़ होगा। उसके अलावा विल्ड चैनल हिस्ट्री, अगर आपके पास पहले से एक चैनल बहुत बड़ा चैनल है तो उसको उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो मार्क, जिससे कि जो आपकी पहले से डिटेल्स फिलअप हैं वो सारी की सारी इसमें ऑटो अप्रूव हो जाएंगी। तो हमारा कोई, मान लीजिए हमारा कोई चैनल नहीं, हम तो नया यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट या सेकेंड वाला ऑप्शन लेंगे, और मैं कहूँ तो सेकेंड वाला लेना, जो कि आपको बहुत ईजी पड़ेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो जीमेल है उस पर एक मेल पहुंच चुका है, उसको वहां पर मेल पे क्या करना है, आपको जाना है मेल ओपन करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारी एक मेल आई है, इस पर हम क्लिक करेंगे।
और ये स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करने का बोल रहा है। जैसे हम स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये QR ओपन करने के लिए आ रहा है, मतलब हम अपना जो डॉक्यूमेंट है वो उसमें सबमिट कर सकते हैं। तो मैं इसको स्किप कर दूंगा क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है। अगर आपके पास इस तरीके का कोड आता है जिसको आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है या स्कैन करना है, या फिर ये लिंक रहेगा जिससे कि आप यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट अप्रूव कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो गूगल ड्राइव वगैरह की मदद से, ठीक है। देन इसके बाद आपका ये फीचर्स भी इनेबल हो जाएंगे। अभी मैं इसके लिए स्किप कर देता हूँ, ये आपका इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपलोड डिफ़ॉल्ट्स पे आना है और इस तरीके का आपको कॉलम दिखेंगे। अगर आप इनको फिल करके रख देते तो अगर आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस जो बॉक्स यहाँ पर फिल रहेंगे वो वीडियोस में अपलोड हो जाएंगे, अपलोड होते टाइम सेट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने कोई टाइटल यहाँ पर ऐड करके रखा है डिफ़ॉल्ट में तो आपको कोई टाइटल ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो हर एक वीडियो में आपका पहले नंबर शो हो जाएगा, उसको आप एडिट करके सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एडवांस सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ की सेटिंग्स आपको ज़रूरी है। तो आप बेसिक इन्फो को छोड़ दें अगर आपको बेसिक इन्फो में कुछ नहीं करना है, लेकिन एडवांस सेटिंग्स में आपको ज़रूर करना रहेगा। तो इसके बाद आपको लैंग्वेज एंड कैप्शन पे आ जाना और वीडियो की जो लैंग्वेज है वो रखनी है। अगर आप कंटेंट हिंदी में बनाते हो तो हिंदी रखना है और इंग्लिश बनाते हो तो हिंदी रख लेना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका सही रहा है। तो मैं यहाँ पर हिंदी कॉन्टेंट बनाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हिंदी ऐड कर दूँगा। देखो इंग्लिश तो नॉर्मल है कि हर एक कोई बोलता है, लेकिन हमारी जो कंटेंट या चैनल की जो वॉइस ओवर आप जिस लैंग्वेज में करते हो वो आपको ज़रूरी होती है। उसके बाद यहाँ पर इस सर्टिफिकेट की बात कर लें तो यहाँ पर आप ये सब ऐड नहीं करना, और यहाँ पर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन तो इसको छोड़ देना है। देन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि आपको अपनी चैनल की कैटेगरी सही सेट करनी है। आपको चैनल की सही कैटेगरी सेट करना नहीं आता तो आप नीचे कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि चैनल की सही कैटेगरी क्या होती है। जिस कंटेंट पे आप वर्क कर रहे हो उस कंटेंट की सही कैटेगरी क्या होगी मैं आपको डिटेल बाय डिटेल बता दूंगा, लेकिन इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा इस वीडियो के नीचे। तो यहाँ पर जो कैटेगरी का ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम रखा है दीपक ब्लॉग्स। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ब्लॉग्स अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखते मेरे लिए सही कैटेगरी क्या होगी, तो मेरे लिए सही कैटेगरी है यहाँ पर एंटरटेनमेंट सी होगी, क्योंकि ब्लॉगिंग्स है लोगों तक पहुँचाना। तो इसके बाद जब ये सेटिंग्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आ जाना है परमिशन पे। तो परमिशन के लिए कुछ नहीं करना, कमेटी में भी आ जाना है। देन यहाँ पर आप अपने चैनल के लिए मोड्स वगैरह जो होते हैं उनको ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पर ये ब्लॉक लिंक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना, जिससे कि आपके चैनल पर कोई भी अगर कोई लिंक पेस्ट कमेंट करता है तो आपका जो चैनल है वो उसको हाइड कर देगा। इसके अलावा ब्लॉक वर्ड्स, अगर आपको लगता है कि आपके चैनल का कंटेंट ऐसा कोई बकवास करके जा सकता है तो यहाँ पर उस टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर देना, जिससे कि लोग वैसे शब्द यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाए, वो वर्ड्स ब्लॉक हो जाए या वो कमेंट गायब हो जाए। चैनल एग्रीमेंट की बात करते हैं, यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं चैनल को कस्टमाइज़ करने की। तो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ फुलझड़ी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, देख सकते हैं फुलझड़ी का अर्न कॉपीराइट इन सब के नीचे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा वो आप ध्यान से देखिएगा। अभी तो यहाँ पर इस चैनल पर कोई वीडियोस नहीं है। अगर आपके पास वीडियोस हो तो आप क्या करना, जो चैनल पर अगर कोई पहली बार वेट कर रहे हैं जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे आप जो वीडियो उनको दिखाना चाहते हो फ्रंट में उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके अलावा जो आपके सब्सक्राइबर्स थे लेकिन वो सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर दिए तो उनके लिए यहाँ पर वीडियोस अपलोड ऐड कर सकते हो। इसके अलावा फॉर यू वाला भी रहने देना है, इसको ऑन इनेबल रहने देना है। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना फीचर्स सेक्शन, तो इससे क्या होगा कि अगर आपके YouTube चैनल पर कोई भी विजिट करता है तो उसको जितनी वीडियो जिस रूम में जिस तरीके से आप सेट करके रखोगे उस तरीके से दिखेंगी। यहाँ पर वो सारी चीज़ें दिख रही होगी जिनको मैंने सेट करके रखा हुआ, पहले कौन सी वीडियोज़ ऊपर रहेंगी, किस तरीके की वीडियोज़ ऊपर रहेंगी, वो सारा कुछ है। तो यहाँ से हम अभी इस शॉर्ट को हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 डॉट्स हैं तो इसको हम रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर जो वीडियोज़ वाला ऑप्शन है तो इसको रहने देंगे। उसके अलावा यहाँ पर और सेक्शंस हैं, तो अगर आप लाइव रखते हो तो लाइव नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हो तो इनको सबसे ऊपर रहने देना, फिर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन आप जैसा बनाते हो वैसा आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ये
तो इससे क्या रहेगा, आपका चैनल कस्टमाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद ब्रांडिंग की बात कर लेते हैं, तो ब्रांडिंग में आपको बैकग्राउंड बैनर जो होता है उसको अपलोड करना है, लोगो अपलोड करना है, तो यहाँ पर वाटर मार्क वाला लोगो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो लोगो होता है मेन प्रोफाइल पिक्चर्स होती है उसको यहाँ अपलोड कर दिया। अब बेसिक की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ज़रूरी है, यहाँ देखना ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको ये डिस्क्रिप्शन है, ये भी आपने चैनल क्रिएट करने के टाइम पे आपने अगर ऐड कर लिया हुआ तो ठीक है, नहीं किया है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यहाँ से लिख सकते हैं। आप चाहें तो अपने मेन यूट्यूब एप्लीकेशन से लिख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये कंफर्टेबल रहेगा, तो मैं इसमें एक पहले से नोट पैड में नोट कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पर ऐड करूँगा। देन उसके बाद यहाँ से ऐड लिंक का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, और जो आपके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के लिंक्स हैं उनको यहाँ पर टाइटल के साथ ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे टाइटल ये रहेगा, लोग अगर देखेंगे तो इंस्टाग्राम लिखा हुआ रहेगा, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम का लिंक आ जाएगा। देन यहाँ पर बिजनेस मेल की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपका नया यूट्यूब चैनल है तो बिजनेस मेल की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, रहने देना है, ठीक है। तो ये इस तरीके की सेटिंग्स होने के बाद आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है, जैसे पब्लिश पर क्लिक करेंगे सेव हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका चैनल क्रिएट करने का, कि आप चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसको कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं इसकी, और सभी सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि आप जो पहले 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको कैसे कंप्लीट कर सकते हो चैनल क्रिएट करने के कुछ टाइम बाद ही। तो दोस्तों, आप अगर ऐसा कोई चैनल बना रहे हो जिस पर आप शॉर्ट्स वीडियोज़ अपलोड करने वाले हो, तो आप 100% अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लोगे, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करनी है, जिससे कि आपका चैनल सर्च लिस्ट में आए। और उसके अलावा आप अगर कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उस पर हैशटैग्स वगैरह भी आपको एक प्रॉपर यूज़ करने हैं। लेकिन अगर आपका एक लॉन्ग यूट्यूब वीडियोज़ वाला चैनल है, तो आपको क्या करना है कि अपनी जो लॉन्ग वीडियोस हैं अगर सही प्रॉपर हैं तो कुछ AI की हेल्प से आप उनको शॉर्ट्स में कन्वर्ट करके आप अपनी YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि दोस्तों, YouTube पर जो होता है ना, शॉर्ट्स वीडियोस से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन होते हैं। जितने भी शॉर्ट्स वाले चैनल हैं उनकी वीडियोज़ पे, लॉन्ग वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं रहेंगे, लेकिन शॉर्ट्स वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ हैं। और अगर उनकी हिस्ट्री चेक की जाए तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी उन्हीं शॉर्ट्स वीडियोज़ के थ्रू उनको मिले हैं, यानी कि उन्होंने गेन किए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पर शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करना है, जिससे कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स का जितने चाहें आप उतने सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शॉर्ट्स वीडियोस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आगे मैं फ्यूचर में और भी ढेर सारी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। अगर आपको वो सभी वीडियोस आने वाली देखनी है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप वो सारी वीडियोस को देख पाओ जो मैं आगे फ्यूचर में लाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो को लाइक करते हो जाना। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।